जत करुषी जत स्नाशी जत जोशी जदाशी जत जत तभस्वासी कौन क्यों तत्कृष्प मदर्पणम शुभाशुभ फलो इनुभं मोक्ष से कर्म बंधो नहीं संन्यास जगयुक्त आत्मा विमुक्त माम अवश्यसी, तुम समस्त कर्म से मुक्त हो जाओगे। तो ब्रह्मन्नत ये भावनात्मक क्रियात्मक नहीं, क्रिया वही चलेगा। संसार का कर्म, गृहस्थ कर्म, संन्यास धर्म, वैराग आश्रम, साधन भजन, तप तपस्या जो भी कर रहे हैं, ये नहीं जो संसार कर्म सिर्फ समर्पण कर रहे हैं और भजन ध्यान करते हैं, ये मैं कर रहा हूं, ये भी अभिमान। पलक में कितना बड़े बड़े बैरागी पलक में माया का चक्कर में कहां से कहां चला गया, कोई गारंटी क्या है? तुम क्या गारंटी दे रहे हो? हम भजन करने आए, हम भजन करेंगे, तुम करने वाले नहीं हो। प्रभु की असीम कृपा जो तुम्हारे द्वारा वो भजन करा रहे हैं, तो प्रभु के ऊपर कृतज्ञ हो करके, दीनहीन हो करके, ऐसे अकर्ता मान करके तुम भजन करो। ऐसा नहीं समझना मैं भजनानंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये क्या करता है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, होता है ना, जो जो जिस वस्तु जिसमें ज़्यादा है उसका अभिमान हो जाता है ना, तो ऐसा मत सोचो। ये अभिमान छोड़ो, मैं भजनानंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ। हाँ, जो करा रहे हैं तुम्हारी कृपा प्रभु, वृंदावन में लाए हो प्रभु, तुम कृपा करके लाए हो प्रभु, इतना दूर से लाए हो प्रभु, इतना भी पार लगा देना प्रभु, इतना भी पार लगा देना, ये भयंकर संकट, भयंकर, ये कोई गारंटी नहीं। पलक में मेरा मन, मेरी चित्त इंद्रिय वृत्ति कहाँ से कहाँ बहा के कहाँ ले जाएगा, पलक में कौन माया का चक्कर में पर करके संसार सागर में कहाँ से बहा के कहाँ ले जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। प्रभु इतना दूर तुम लाए हो कृपा करके, ये दीनहीन पापिष्ट हो प्रभु, बाकी को भी पार लगा देना प्रभु। तो ब्रह्मन्नाध्याय कर्माणि, भगवान में कर्म, ये भी कर्म, ये भी गृहस्थी कर्म करते हैं, हम भजन करते हैं, लेकिन तुम करा रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, तुम करा, ये भावना। ब्रह्मन्नाध्याय कर्माणि, समस्त कर्म भगवान में, ऐसे अहंकार को हटाना है, जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे, ये भावना, इसको कहते कर्म समर्पण। संघं त्यक्ता करति जो, उस कर्म के कारण, कर्म संस्कार के कारण हमारे भीतर कोई कामना वासना का उद्रेक ना हो, होना नहीं चाहिए। पैसा आया तो उसके प्रति एक लालसा कामना, ये नहीं। धन आया, हाँ उसके यूटिलाइज करो, प्रभु का कर्म, प्रभु ने धन दिया है, चलो तुम्हारा धन तुम जैसे खर्च करो, कराओ हमारे द्वारा, हम हमारा क्या आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं, तुम्हारे कर्म तुम करो, ये हमारा नहीं, हमारा था नहीं, हमारा है नहीं, हमारा होगा नहीं, हमारा होता नहीं, हमारा हो नहीं सकता है, तुम्हारी चीज है तदीय वस्तु गोविंद तुम्हें वो समर्पित, तुम्हारे वस्तु है, ऐसे भावना प्रभु जो करा रहे हैं, ऐसे भावना लेकर के ब्रह्मन्नाध्याय कर्माणि संगं त्यक्ता, इसको कहते संगं त्यक्ता, संग त्याग, संग दोष, माने कोई वस्तु के सान्निध्य में रहने से उसका दोष गुण आरोपित तो होता है। धन रहने से धन का अभिमान, धन आने से धन के प्रति लालसा, लालसा के कारण धन के प्रति आसक्ति, आने से हर्ष है, जाने से कष्ट होता है। अगर ऐसा होता है तो समझना तुम्हारा आसक्ति है, कि जाने से तुम्हारा कष्ट नहीं तो आने से तुम्हारा हर्ष तो नहीं, बड़ा आनंद हो रहा है, ये देखना पड़ेगा मन को विचार करके, ये बोलने की बात नहीं है। कोई कहेगा आने से हर्ष नहीं, जाने से विषाद नहीं, तो कोई दोष नहीं, धन तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, और वो धन जन परिजन तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा थे, करोड़ों रानियां थी, तो क्या हुआ? भगवान श्रीमद् भागवत पुराण में कहते हैं अहम भक्त पराधीन अशतंत्री बद्धि, जो अम्बरीश महाराज के बारे में कह रहे हैं भगवान, भक्त हमारे हृदय, हम भी भक्त के हृदय हैं, अम्बरीश महाराज को कह रहे हैं। तो धन ऐसा नहीं, धन या गृहस्थ में रहना
ये बंधन का कारण ये बात नहीं है, बंधन तो मन ही कारण है, आसक्ति बंधन का कारण, धन जान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये बंधन का कारण नहीं, आसक्ति तुम्हारा आसक्ति है, उनके प्रति अपनापन है, चाहन है, लालसा है, तो जानना ये तुम्हारा बंधन का कारण है ना, आसक्ति बंधन का कारण है ना, है ना। तो ब्रह्मण्याद्य कर्माणि संगं त्यक्ता करोति च, संगं त्यक्ता माने उस कर्म क्रिया वस्तु वो हमारे मन के ऊपर किंचित मात्र असर नहीं करना चाहिए, जो ये प्रभु का है, प्रभु जाने, बिल्ली का बच्चा मैया पकड़ के कभी तो नाला का पास रख देते हैं और कभी तो कई गद्दा में ला करके रख देते हैं, जहाँ रखे, साधु भी ऐसे ही है, जहाँ रखे जैसे रखे तुम जानो, अपना कभी इच्छा प्रकट भी करना नहीं चाहिए, हमको ऐसा होना चाहिए, एक आश्रम होने से अच्छा होता, एक ऐसे, ये भी ये सब कल्पना भी करना नहीं चाहिए, तुम जहाँ रखो सिर्फ इतनी कृपा करो हे राधा रानी, जो हमारे कोई वस्तु विषय में किंचित मात्र आसक्ति ना हो, जिस स्थिति में हम रहें उसी स्थिति में तुम्हारे चरण में हम, हमारे मन अखंड संलग्न रहे, बस ऐसे इतनी कृपा करो, ये भावना। ब्रह्मण्याद्य कर्माणि संगं त्यक्ता करोति च, लिप्यते नाशो पापेन पद्मपत्रमिमं वशा। इस तरह से भगवान में समस्त कर्म समर्पण करके, समस्त आसक्ति से दूर रह करके जो कर्म करते हैं वो संसार में ऐसे रहते हैं जैसे कमल पत्र, कमल पत्र है ना, उसमें कभी पानी से वो मिलता नहीं, संस्पृष्ट नहीं होता है, और ऊपर में कितनी कोशिश करो रगड़ो वो मिलेगा ही नहीं, लुढ़क जाएगा, उलट दो पानी लुढ़क जाएगा, सूखा पत्ता। संसार में है सब कुछ है, लेकिन कमल दल जैसे निष्प्रिय निर्लिप्त हो, लुढ़क जाता है, उसमें मिलता ही नहीं। लिप्पते नश पापेन, पाप में कोई पाप में पुण्य में लिप्त नहीं होता है, कैसे न पद्म पत्रम इबंबु अम्बुसा, अम्बुसा माने जल, जैसे पद्म पत्रम, पद्म पत्र में जैसे अम्बुसा माने पानी जिस तरह से संस्पृष्ट नहीं होता है, ऐसे ही संसार में रहता है, यह प्रक्रिया। ए विष में आ गया अहंकार, करता हम इति मन्यते, सब कर्म में मैं करता, जिस कारण हम विचलित तो हो जाते हैं, विचालित तो हो जाते हैं, है अब क्या करें, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, हमारा क्या हुआ, हमारा हम क्या करेंगे, तुम जैसे रखो ठीक है, तुम जैसे रखे हो वही ठीक है, आधी तूफान आ रही है, वो देखते हैं ये भी तुम्हारी इच्छा, हमारा क्या बिगड़ेगा, हम तो तुम्हारे शरण में है, जान करके निश्चिंत रहती है। बहुत कठिन बात है, सहज तो है नहीं, इतना सहज तो बात है नहीं, बात तो बहुत कठिन है, लेकिन हमको वहाँ पर पहुँचना है, ये तो बात सत्य है। हम साधन करने आए हैं, भगवत प्राप्ति के लिए हम सब छोड़ छाड़ के आए हैं, और भगवत प्राप्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, इसलिए हमको तो पीछे हटना है नहीं। बहुतों कहते हैं कि भाई ये तो कठिन बात है, यहाँ तो पहुँचना, ऐसे होना तो बहुत कठिन बात है, भाई कठिन बोल करके हम अगर पीछे हट जाएं तो हम तो ही पड़े रहेंगे। तुम अगर सामने परीक्षा है, इस परीक्षा में तुम पास नहीं कर पाओगे तो चलो आगे कोशिश करेंगे, तो तुम तो पढ़े रहोगे ना, तुम अगला क्लास में जा नहीं पाओगे, आप चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, है ना, उसको पास करने का बाद ही तुम आगे क्लास में जा सकते हो, ऐसा नहीं तुम 3 बार फेल हो गया मास्टर तुमको ठीक है चलो फेल हो कोई बात नहीं चलो आगे चलो, ऐसा होता नहीं है। अरे भगवत राज्य में तो ऐसा होता ही नहीं, तुमको आगे चलना है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमको पीछे हटना नहीं है किसी भी कीमत पर, हम पीछे हटेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम फूटेंगे नहीं, बोले किस बल पर,
तुम इतने ऐसे बड़े बड़े शब्द कहे तो किस बल पर? एक बल पर, राधारानी की करुणा, राधारानी की कृपा। हम राधारानी के शरणागत हैं, राधारानी हमको रक्षा करेंगे, करेंगे अवश्य करेंगे, निश्चित करेंगे। हम राधारानी की कृपा के बल पर मैं कहता हूँ हमको राधारानी रक्षा करेंगे, अपने बल पर नहीं, राधारानी की कृपा पर हमारी भरोसा है। तो हमको रुकना नहीं है, ये ऐसा भावना रखना नहीं चाहिए मन में जो हमारे द्वारा ऐसा करना संभव नहीं है। बहुत कठिन बात है, ये तो बड़े बड़े जोगी ऋषियों के काम है, ये तो बड़े बड़े भजनानंदी के काम है। भाई हम तो कहाँ गिरस्ती हैं, हम तो ऐसे हैं तैसे हैं, ये तो भाई कितना जन्म लग जाए। परे रहोगे तुम्हारा ये शब्द तुमको आगे ले नहीं जा सकता है, वहाँ तुम्हारे लिए कृपा नहीं होगी, तुम बैठे रहोगे, परे रहोगे। इसलिए हर समय ऐसे धारणा करनी चाहिए, हमको वहाँ जाना ही किसी कीमत पर, हमको उस स्थिति में जाना ही पड़ेगा। ऐसे बोलो, जहाँ प्राण संकट का भय हो वहां पर भी क्या हमें यही धारणा लानी और है? क्या हमारी रक्षा का, और क्या, प्राण संकट में तुमको कौन रक्षा करने वाले हो, अपने को रक्षा करने वाले हो? चेष्टा भी, चेष्टा तो चेष्टा करते हैं क्या, इंद्रिय के द्वारा, चेष्टा माने इंद्रिय के द्वारा तो कोशिश करते हैं, लेकिन जानते हैं करा रहे हैं प्रभु, जो कराएंगे वही कराएंगे। मन में ये विश्वास, दृढ़ विश्वास, जो कराएंगे वो कराएंगे, प्रभु कराएंगे, बस ऐसी बात नहीं है। हम बीमार पड़े हों और बहुत ही ज्यादा अस्वस्थ अवस्था में हो, तो हम दवाई या औषधि, हम ये विचार करें कि हमारी जो रक्षा करेंगी राधारानी करेंगी, हम औषधि, ये तो ये पागलपन है। भगवान विधान बनाए हैं सिस्टम, उस सिस्टम को हमको पालन करना है, करेंगे वो राधारानी, ये विश्वास लेकर के। खाते हो क्यों, हम खाने का क्या जरूरत है, हमारे जो इंद्रिय क्रिया है ये करने का क्या जरूरत है, सब करेंगे राधारानी। भजन करने का क्या जरूरत है, करेंगे राधारानी। भाई ये कोई बात है, करा रहे हैं प्रभु, करा रहे हैं जान करके वो सिस्टम को। अहंकार तो है ना, अहंकार है तो कर्म भी है, जब तक अहंकार है तब तक कर्म है, लेकिन वो कर्म शरणागत होकर के प्रभु की इच्छा, प्रभु की कृपा जान करके वो कर्म करना है। जैसे नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कर्म तो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है हम अगर यहाँ हमको कर्म नहीं करना पड़ता है। हमारे यहाँ कितना 20-50 मूर्ति का प्रसाद पाता है, हमारे यहाँ ये दुनिया भर के आते हैं जाते हैं, ये भी कर्म है, ये जो कर रहे हैं क्या है, ये जो प्रवचन हो रहा, कीर्तन हो रहा, ये भी तो कर्म है। लोक हितार्थ, लोक कल्याणार्थ करा रहे हैं, तुम करा रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन करने वाले हैं, तुम करा रहे हो, ये भावना, हम प्रवचन दे रहे हैं, ये भावना आ गया तो बिगड़ जाएगा काम। तुम बुला रहे हो, तुम्हारे शब्द तुम जानो, हे राधारानी करुणा करो, जैसे हमारा अहंकार मेरे कर्तृत्वपन हमको इस तरह से आकर के घेर ना ले, तुम करा रहे हो, ऐसे भावना। तो बीमार दिए हैं, दवा भी दिए हैं, दवा लेते हैं, लेना पड़ेगा, ये हमारे सिस्टम को पालन करना है। संसार में रहते हैं वो सिस्टम पालन करना है, लेकिन करा रहे हैं वो, करेंगे वो। विजय कृष्ण गोस्वामी की कन्या जो है कुतुबुड़ी, मृत्युमुख में, अल्प उम्र में मृत्युमुख में कोई से बीमार आ गया है, अल्प उम्र 14-15 साल, ऐसे कठिन बीमार, कोई उस समय तो एलोपैथिक चिकित्सा नहीं था उतना, आयुर्वेदिक सब वैद्य लोग ही चिकित्सा करते थे, बहुत सारे वैद्य बुलाए गए, कोई काम में आता नहीं है, सब शिष्य लोग सब भागदौड़ कर रहे हैं, गुरु बहन है, गुरु कन्या है। विजय कृष्ण भी उनकी चेष्टा देख करके जाके कहते, अरे भाई तुम लोग क्यों भागदौड़ कर रहे हो,
ये परशु दिन इतना बजे ये चला जाएगा, इसका समय हो गया, लाख कोशिश करो ये बचेगा नहीं, इसका समय हो गया, टाइम दे दिया, परशु दिन इतना बजे, बड़ा बजे की एक फिक्स टाइम, इतना समय में ये शरीर छोड़ के चला जाएगा, इसका समय हो गया, तुम लोग क्यों इतना चंचल हो रहे हो? तो शिष्य लोग भरोसा विश्वास है जो गुरुदेव कह रहे हैं तो सत्य है, लेकिन उल्टा गुरुदेव भाग रहे हैं, ये बद्ध के पास जा रहे हैं, वो बद्ध को बुला रहे हैं, ये बद्ध आ रहे हैं, माते के पास बैठ करके चिंता कर रहे हैं, अच्छा बद्ध जी बताइए क्या क्या दिया जाए, ये दो ऐसा करो ऐसा करो, ये बद्ध ठीक नहीं हुआ, अच्छा फिर और एक बद्ध बुला रहे हैं, रात भर जाग जाग के मस्तक के पास बैठ करके पंखा कर रहे हैं, इससे सलाह ले। शिष्य लगते थे गुरुदेव कहते हैं परशु चला जाएगा, और गुरुदेव स्वयं ऐसे चेष्टा कर रहे हैं, समझ में आता नहीं, जैसे गुरुदेव जो कहे वो सब बेकार शब्द है, दिन नहीं रात नहीं, सुबह भाग रहे हैं, शाम को भाग रहे हैं, वहां बद्ध के पास जा रहे हैं, वहां बद्ध के पास जा रहे हैं, ये दवाई ला रहे हैं, ये खिला रहे हैं खुद, और जब समय आया ठीक जो टाइम दिया गया उसी टाइम शरीर छोड़ के वो नित्य धाम पधार गए। शिष्य लोग कहते गुरुदेव आपने जानते हैं सब, फिर भी हम लोग देख रहे हैं आप इतना सक्रिय होकर के इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना चिंतित, आपको इतना चिंतित दिखा, तो ये नाटक का क्या जरूरत था प्रभु? तो हंस के कहते हैं अरे पागल, संसार में रहने से ऐसा तो करना पड़ता है, संसारी जीव है ना, लोग कहेंगे देखो पिता होकर के निष्क्रिय होकर कोई डॉक्टर नहीं दिखा, इसलिए अल्प उम्र में देखो कन्या मर गया है, बदनाम हो जाता, ये करना पड़ता है, ये संसार है, लोग सब जानते हैं है ना, तो ये नहीं साधु होने से ही एकदम माने निष्क्रिय नहीं, जब तक अहंकार है कर्तृत्वपन है, लेकिन वो कर्तृत्वपन भगवान के ऊपर समर्पित होकर, तुम करा रहे हो हम नहीं कर, दवा खाएंगे सब करेंगे सब चेष्टा करेंगे, ऐसा थोड़ी है। एक जन आके हमको कहता है मक्स, जब कोरोना चल रहा है हम लोग सब मास्क पहन के आ रहे हैं, बड़ा नाराज हो गया, 20 रास्ते में हमको पकड़ लिया एक साधु, आप भी मास्क पहनते हैं क्या? राधारानी के ऊपर भरोसा नहीं है? ए? ए? आप भी मास्क पहनते हैं? ये क्या लगाए मुंह में, ये क्या लगाया? गाय भैंस जैसे मुंह बांध देते हैं ना, ऐसे मुंह बांध देते हैं, ये क्या? आप भी ये लोग करते हैं, आप भी राधारानी को भरोसा नहीं है? बोलो क्या करें, राधारानी को भरोसा नहीं है? अरे हम नहीं पहनेंगे, हम ऐसे चलेंगे, हमारे पीछे पीछे आरो जो है, अरे बाबा पहनते नहीं हम लोग क्यों पहनेंगे? उसका समझ के ऊपर असर पड़ेगा, बदनाम हो जाएगा, सब कहेंगे जो अरे विनोद बाबा ऐसे हैं, देखो समाज का नियम मानते नहीं है, ये मास्क नहीं पहनते हैं, ये ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे ये तो करना मतलब सामाजिक, हम समाज में रहते हैं, समाज जीवन के श्रृंखला हमको मानना चाहिए, नहीं तो जंगल जाओ, जंगल जाके तुम अपने स्वेच्छा अनुसार चलो, नंगा होके रहो, कौन मना करता है? समाज जीवन में रहते हो और नंगा होके तुम दिखा रहे हो, हम बड़े त्यागी है, नंगा होके चल रहे हो रास्ते बीच बाजार में, समाज में रहते हो क्यों? जाओ जंगल में जाओ, वहां कोई नियम नहीं श्रृंखला नहीं, तुम कैसे भी रहो, समाज जीवन में जब तुम रहती हो, साधु हो चो कोई भी हो, समाज जीवन का मर्यादा, समाज का नियम, समाज की श्रृंखला, ये सबके लिए पालन करना चाहिए, लेकिन जानना चाहिए जो ए प्रभु की इच्छा, जो हो रही है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा, जान करके वो निर्लिप्त निष्प्रिय हो, उदासीन होकर के वो कर्म करते हैं। जय जय श्री राधे, फिर काल चलेंगे आगे, ये तो अहंकार तत्व के बाद, फिर काल चलेंगे आगे।